अब इसमें हम देखेंगे तीन अंक ऊपर है, तीन अंक नीचे है, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है, पांच बच्चे पच्चीस। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, पांच दिया पंद्रह, और तीन पचे पच्चीस, पंद्रह। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, पंद्रह और पंद्रह तीस, तीस, ठीक है। और फिर इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, तीन तिया नौ, नौ तीन तिया नौ, सेम यही आंसर आएगा। अब इसी तरीके ये करेंगे, पांच सत्ते पैंतीस, पांच सत्ते पैंतीस, पैंतीस पूरा लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस और छह पंजे तीस, तीस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तीस और बीस पचास, और पांच आठ अट्ठावन, अट्ठावन, ठीक है। और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, छह चौक चौबीस, सेम यही आंसर आएगा। इसी तरीके ये करेंगे, छह छक छत्तीस, छह छंग छत्तीस, छत्तीस। फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे, छह चौक चौबीस, चौबीस और छह चौक चौबीस, दोनों को जोड़ देंगे, बीस बीस चालीस और अड़तालीस, अड़तालीस। फिर इन दोनों का करेंगे, चार चौक सोलह, चार चौक सोलह, ठीक है। समझ में आया।